क्या आपको पता है भारत में सबसे पहला वोट किसने डाला था? अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो आपने कभी न कभी तो वोट डाला ही होगा, पर ये बात बहुत कम लोगों को ही मालूम है कि भारत का पहला वोटर कौन था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके बाद 1951 और 1952 में हिमाचल में इलेक्शन हुए थे और उन्हीं इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी जी ने वोट डाला था। 1951 के अक्टूबर की सर्द सुबह सबसे पहला वोट डालते समय ये पता भी नहीं था कि वोट सरकार के साथ साथ रिकॉर्ड भी बना रहा है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले वोट के साथ श्याम सिंह नेगी जी अब तो सबसे उम्र दराज वोटर के तौर पर हमेशा के लिए याद रहेंगे। और आप सभी को ये भी बता दूं कि मास्टर श्याम सिंह नेगी जी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा गाँव में हुआ था और आज इनकी उम्र 103 है। मैंने इन्हें मास्टर इसलिए कहा क्योंकि ये शुरू में 1940 से 1946 तक वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी की। उसके बाद शिक्षा विभाग में चले गए और कल्पा लोअर मिडिल स्कूल में अध्यापक बने। इसके साथ ही इतिहास बन गया और मास्टर श्याम शरण नेगी आजाद भारत के पहले मतदाता बन गए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।